स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, ये हम ब्लाउज बना रहे हैं, उसका नाप है 32 चेस्ट है, पीछे की लंबाई 13 या 14 इंच रख सकते हैं। अगर आपके ब्लाउज की लंबाई ज्यादा है, 15 इंच है, तो आप 15 इंच भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कम या ज्यादा चेस्ट का ब्लाउज है वो भी बताऊंगी। तो अगर आप पप वाला बनाना चाहते हैं तो उसको पप वाला भी बना सकते हैं, जैसे हम पप लगा के बनाते हैं प्रिंसेस कट। अगर बिगर पप का बनाना चाहते हैं तो आप बिगर पप का भी बना सकते हैं। देखिए, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, जब ही आपके अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम अस्तल की कटिंग करेंगे। तो देखिए, अस्तल को हमें डबल करके रखना है। ये हमारा अस्तल है और हमें इसको डबल करके रखना है। देखिए, डबल है। अब हम अपना पहले आगे का पल्ला निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी भी आप लंबाई रखना चाहें, 13 इंच या 14 इंच, उतनी आप लंबाई ले लें। अब देखिए, हमारी जैसी लंबाई है ब्लाउज की 13 इंच है, तो हम यहाँ पे 1 इंच ज्यादा लेंगे और यहाँ पे हम 14 इंच पे निशान लगा देंगे। इसमें हमें बस लंबाई 1 इंच ज्यादा लेनी है, क्योंकि इसमें जो प्लेट होती है वो यहाँ से होती है, बगली से नहीं डालती है प्लेट, तो वो छोटा हो जाता है। तो हमें इसकी लंबाई 1 इंच ही ज्यादा लेनी है, जितनी हमारे ब्लाउज की है। अब उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो देखिए, शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि हम इसका डीप गला बनाएंगे, तो हमें 5.5 इंच लेनी है और चेस्ट हमारी 32 है। अब हम अपनी फिटिंग का निशान लगा देंगे। जैसे हमारी चेस्ट 32 है तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हमारी चेस्ट 36 है तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे फिटिंग का। इस तरीके से आप अपनी चेस्ट को बढ़ा सकते हैं। जितनी भी आपकी चेस्ट 40 है तो आप यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 8 इंच पे निशान है, तो हमारी 32 चेस्ट है तो हमने 8 इंच पे निशान लगाए। अब हम यहाँ पे जैसे 1 इंच लेंगे, वो सिलाई के लिए लेंगे अलग से। पहले हमें फिटिंग का निशान लगाना, फिर हमें लगाना सिलाई के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखिए आरोमल लेंगे। आरोमल हम 6 इंच की लेंगे और यहाँ पे हमें चौकुटा निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे लेंगे 1/2 इंच और इसमें हम यहाँ पे गोलाई का निशान। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे। गले की लंबाई 6 इंच और इसको हमें ये चौकुटा निशान, उसके बाद यहाँ से देखिए गोलाई का सेप। अब हम यहाँ पे लगाएंगे तीरे का निशान। देखिए, यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम 12 इंच पे निशान लगा देंगे तीरे का। ये मैं तीरा वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रही हूँ, और पप वाला भी बना सकते हैं, और इसमें पप भी लगा सकते हैं और तीरा वाला भी बना सकते हैं। तो जैसे फिटिंग बहुत अच्छी आती है तीरे वाले की। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे निशान लगा दिया 12 इंच पे। 12 इंच पे हमारा निशान हो गया। अब हमें निशान लगाना यहाँ पे, जैसे हमारी 8 इंच है चेस्ट या 9 इंच है चेस्ट। तो देखिए, ये बात आपको समझनी है कि ये हमें प्लेट कहाँ पे डालनी है। तो देखिए, पहले हम अपनी चेस्ट का पूरा कपड़ा निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको देखिए इस तरीके से डबल कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम डबल कर रहे हैं, जैसे हमारी 32 चेस्ट है तो हमारी 8 इंच है, तो हम इसको डबल करके करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 इंच हो रहा है, तो यहाँ पे हम 4 इंच पे लगा लेंगे। हमारी प्लेट का निशान है, जो हमारी नीचे की प्लेट होती है। अब ये प्लेट को हम ऊपर की साइड ले जाएंगे। तो देखिए, ये इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे 6 इंच, तो इसको देखिए हम यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे लेना है पप के लिए, क्योंकि हमारा पप अच्छा है। 1 इंच हमने इधर की साइड ले लिया, 1 इंच लेना हमें इधर की साइड।
इस तरीके से। अब देखिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 इंच इसको दबा देंगे तो यहाँ पे बहुत कम रह जाएगा कपड़ा कमर पे। तो हमें देखिए ये चेस्ट का जो फिटिंग का निशान है इसको हम इस तरीके से ले जाएंगे, इस तरीके से हमें 1 इंच यहाँ पे बढ़ाना है। ये हमारा 1 इंच यहाँ पे बढ़ जाएगा देखिए, और चेस्ट तो हमारी यहीं तक रहेगी क्योंकि पफ हमारा यहाँ से बनेगा। देखिए आपके अच्छे से समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से हमें पफ बनाना है और यहाँ पे हमारी चेस्ट बराबर रहेगी। जैसे यहाँ पे 8 इंच में निशान है और 1 इंच हमने यहाँ पे लिया है, वो सिलाई के लिए लिया है। 2 इंच है हमारा यहाँ पे, तो हमारी ये 2 इंच की जो प्लेट जाएगी पफ की, तो वो हमारा पूरा कपड़ा कवर हो जाएगा। और इसको जोड़ने के बाद मैं आपको फिर बताऊंगी फिटिंग के बारे में, इसकी फिटिंग और बराबर करनी है हमें और कपड़ा भी अपना नाप के फिटिंग करनी है। तो देखिए अब ये हमारा आगे का तो सही है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा गला है, अब देखिए जैसे मैंने तीरे का निशान लगाया है तो इसको देखिए हमें यहाँ पे शेप में कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड हम लेंगे 1 इंच, तो इसमें क्या हमारा ये शेप आ जाएगा ऊपर की साइड इस तरीके से। ये तीरे का शेप हो गया, अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे कपड़े के ऊपर, जो हमारा साड़ी कपड़ा है उसके ऊपर। तो देखिए हमें यहाँ पे 1 इंच इसको कम कर देंगे, ये हमारा 1 इंच का निशान है, इसको कम कर देंगे। अब हम पीछे का पल्ला निकालेंगे, पीछे की लंबाई भी हमें इसी के बराबर लेनी है क्योंकि इसमें प्लेट है यहाँ पे नहीं डलती है। अगर बगली की साइड प्लेट डलेगी तो आगे का पल्ला हमारा छोटा हो जाएगा, तो हमें इसकी पीछे की लंबाई भी इसी के बराबर लेनी है। आगे और पीछे की लंबाई हमारे दोनों बराबर रहेंगी, तो आरूमल की हम इसी के बराबर कटिंग कर लेंगे। इसको हमें इस तरीके से रखना है। अब देखिए आरोमल हमने आगे के बराबर लिए है। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। अब गले की लंबाई 9.5 इंच, 9.5 इंच की ये हमारी लंबाई है। अब इसको हमें इस तरीके से निशान लगाना है। इसके बाद यहाँ से हम गोलाई का सेप, अगर आप लंबाई ज्यादा रखना चाहती हैं तो ज्यादा भी रख सकती हैं। पीछे की चौड़ाई तो आपको 2.5 इंच की लेनी है, आपको चौड़ाई ज्यादा नहीं बढ़ानी है, लंबाई आप बढ़ा सकती हैं। अब हम इसमें से बाजू निकाल देंगे, बाजू की लंबाई हमें 3 इंच की रखनी है, तो हम यहाँ पे कपड़े की लंबाई लेंगे वो 4 इंच ले लेंगे। देखिए ये हमारी लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है, तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच की है। अब हम इसको डबल करेंगे, अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे और इसको हम इस तरीके से ऊपर के साथ ले जाएंगे। ये हमारे दोनों बाजू हो गई।
अब हम अपने साड़ी के कपड़े पर कटिंग कर लेंगे। ये लेस है वो हमें बाजू पे लगानी है, तो इसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए कपड़े को हमें डबल करना है और ये बंद वाली साइड है यहाँ पे हम आगे का पल्ला रखेंगे और ये हमारा तीरा रहेगा। अब देखिए हमें यहाँ से कटिंग करनी है, इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। और यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। अब देखिए इसको हमने थोड़ा सा जुड़ा रखा है, जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे जब कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे जोड़ने में आसानी रहेगी। हमें जब इसको सिलाई लगाएंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि इसको हमें कैसे जोड़ना है, तो इसलिए आप इसे इस तरीके से जुड़ा रखें। ये जुड़ा है इसी तरीके से, ऊपर के साइड इसको जुड़ा रखें। अब इसमें निकालेंगे हम पीछे का पल्ला। ये हमारा पीछे का पल्ला है और बाजू निकालेंगे। देखो यहाँ से बाजू निकलती है तो यहाँ पे रख लेंगे इसको इस तरीके से, क्योंकि हमें हमेशा अपने कपड़े की बचत करनी चाहिए। जितना कपड़ा कम लगे उतना लगाना चाहिए बाकी कपड़ा। अब देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको। इसको डबल कर लेंगे। और यहां पे रखेंगे इसको। अभी हमारी बाजू हो गई दोनों। अब हम इसको जोड़ेंगे पहले, उसके बाद अच्छे से कटिंग करेंगे। और आगे के पल्लर की जो प्रिंसेस कट की कटिंग है वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी, क्योंकि इसमें जो कुछ कटिंगें रह गई हैं, आरोमल की भी कटिंग करनी है हमें, वो मैं आपको इसे जोड़ के और स्टिचिंग में बताऊंगी। तो जब भी मैं आपसे बोलेंगी ये आप वीडियो पूरी देखें, जब भी आपके अच्छे से समझ में आएगा। अब ये हमारा नीचे का तीरा है, अब हम इस पर सिलाई लगा के इसको जोड़ेंगे पहले। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे जुड़ा हुआ रखा है तो अब इसको हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इससे क्या है हमें ध्यान में रहेगा कि ये पल्लर हमें यहाँ पर जोड़ना है। दोनों साइड इस तरीके से निशान लगा लेंगे, यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे देखिए। और ये प्लेट, यहाँ से प्लेट डलेगी। अब इसको हमें सिलाई लगानी है, पहले जोड़ना है।
अब देखिए हमने सिलाई लगा ली, अब इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, ये देखिए हमारा प्लेट का निशान है। तो पहले हमें नीचे से इसको जोड़ना है, यहाँ से बराबर करते हैं। अब देखिए हमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ये कटिंग है उसको हमें गोलाई में ही जोड़ना है, थोड़ा थोड़ा पकड़ के सिलाई लगानी है। अब देखिए इसका पफ, ये देखिए इसका पफ कितना अच्छा आया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितना कितना सुंदर आया है इसका पप। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड जोड़ेंगे, यहाँ से नीचे से ही जोड़ना है। यहाँ पे सिलाई लगी हुई है, ये हमने सिलाई लगा दी है कपड़े को दबा के, जिससे कपड़ा हमारा रुंगा नहीं देगा। अब ये हमारा आगे का जो कप है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें तीरा जोड़ेंगे। तो देखिए हमें तीरा कैसे जोड़ना है, पहले हम इसके फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो इसको हमें बराबर करके पहले कटिंग करनी है आलू मटर की। अब देखिए यहाँ से हम अपने चेस्ट का नाप लेंगे, देखिए 8 इंच हमारे चेस्ट का निशान है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस तरीके से कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे कुन्ना निकला हुआ है। अब इसमें हम तीरा जोड़ेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच जो कपड़ा ज्यादा दिया था वो एकदम ही सीधा लग रहा है, यहाँ पे जैसे हमारी चेस्ट है और ये कमर है। अगर हम यहाँ पे 1 इंच नहीं ज्यादा कपड़ा लेते तो ये बहुत छोटा हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है इसका। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच कपड़ा ज्यादा बढ़ाया था, क्योंकि 2 इंच की यहाँ पे हमारी ये प्लेट हो गई तो ये बराबर आ गया। अब हमें एक तीरा जोड़ना है। पहले हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे तीरे के ऊपर। अब इसको डबल करके बीच में निशान लगा लेंगे। अब इसको भी डबल करके बीच में निशान लगा लेंगे। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। अब देखिए तीरा लगाने के बाद यहाँ पे जो ज्यादा है इसको काट लेंगे।
अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये नीचे का कपड़ा दबाना है, नीचे का कपड़ा दबाना है। ये पूरा ब्लाउज आगे का पल्लर पूरा तैयार हो गया है। इसको डबल करके अब इसी के बराबर हमें आर्मोल की कटिंग करनी है, आगे के जितने आर्मोल है, क्योंकि यहाँ से जो सिलाई लगेगी वो दोनों आर्मोल हमारे बराबर होने चाहिए, यहाँ पे पल्लर हमारे बराबर होने चाहिए। अब देखिए जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है तो यहाँ पे देखिए 13.5 इंच है, तो आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। और इसकी जो चेस्ट है वो देखिए 9 इंच है, तो 8 इंच हम यहाँ पे इसको फिटिंग में दबा देंगे और 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हम इसमें प्लेट डाल लें, तो देखिए पीछे का पल्लर को हमने इस तरीके से सिलाई लगा के जोड़ लिया है आरूमल पे, और यहाँ पे सिलाई लगा के जोड़ लिया है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे और पीछे हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी लगाएंगे, हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है 4 इंच पे। इसकी लंबाई रखेंगे हम 3 इंच की, प्लेट की लंबाई 3 इंच की। अब देखिए हमने कपड़े की चौड़ाई ली है वो 4 इंच की ली है, अब इसको हम डबल करके लगाएंगे। ये हमारी काज वाली पट्टी है, अब एक पट्टी लगाएंगे वो अंदर वाली लगाएंगे। अब इसकी चौड़ाई है 2 इंच की। और ये अंदर वाली पट्टी है हुक की और ये बाहर वाली पट्टी है कांच की, और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब हम इसमें आगे का पल्ला जोड़ देंगे।
अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम एक एक इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी कमर का नाप लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और अपनी कमर का नाप ले लेंगे। हमारी कमर है 25, तो हम अपनी कमर का इस तरीके से नाप लेंगे। अब हम इसमें बाजू लगा लेंगे। देखिए पहले हमें बाजू को जोड़ना है। अब देखिए बाजू के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम अपनी बाजू को नाप लेंगे आरूमल के ऊपर रख के। इस तरीके से अब ये बाजू की चौड़ाई बराबर है। अब बाजू लगाएंगे। हमारा ये सीधा है, सीधे के ऊपर बाजू रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर्स पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम लेस।
अब लेस लगाने के बाद हम इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे, फिटिंग करेंगे बाजू की। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से देख लेंगे हमारी मोरी कितनी है, जैसे 12 इंच की है तो 6 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए हमने फिटिंग का निशान लगा लिया, अब इसमें हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू लगाएंगे। अब हम इसको सीधा करके गले के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे, तो उसके लिए हमें एक चौकुटा कपड़ा चाहिए, तो इसको हमें तिरछा करना है। गले में हमें पाइपिंग तिरछी करके लगानी है।
अभी पट्टी हमने तिरछी पट्टी है तो हमने इसको देखिए इस तरीके से जोड़ा है, जैसे हमारी ये कटिंग है उसी तरीके से हमने इसको जोड़ा है। तो अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ से हम इसको बराबर कर लेंगे। अब गले के ऊपर रखेंगे, आधा इंच इसको बाहर निकालेंगे पट्टी को। अब देखिए हमने पट्टी लगा ली, अब हमें जो अंदर का कपड़ा है ये दबाना है इस तरीके से। अभी पट्टी को काट लेंगे, जो अंदर का कपड़ा है पट्टी का वो काट लेंगे। अब इसको हम अंदर के साइड इस तरीके से करेंगे और पाइपिंग बनाएंगे। अब देखिए पाइपिंग हमें थोड़ा सा कपड़ा इस तरीके से पाइपिंग का बनाना है, फिर सिलाई लगाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए पाइपिंग लगाने के बाद ये देखिए कितना सुंदर गला आया है, और इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। ये बन गया हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।